यूके देवनाथ सर, ये वही तो पाकिस्तान है ना जहां कहा गया कि घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम हम जरूर तैयार करेंगे, ताकत बढ़ाएगा हमारी। जी हाँ, पाकिस्तान को समझ नहीं रहा है कि उनको घास खाना बंद करना चाहिए, रोटियां खानी चाहिए। इसका एक ही तरीका है कि वो नाजायज चीजों पर अपना पैसा वेस्ट ना करें, टैक्स कलेक्शन करें, उनको यूजफुल जगह पर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च करें, व्यापार पर खर्च करें, ट्रेड पर खर्च करें, अपनी इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत बनाएं, दूसरे देशों के साथ टेक्निकल नोहाउ का आदान प्रदान करें, खर्चा वहां पर करें। ये खर्चा कहाँ कर रहे हैं? ये खर्चा कर रहे हैं अपनी फौज के ऊपर। इनकी फौज जो है वो खर्चा कहाँ कर रही है? टैंक, तोप, फाइटर विमान। अब इन्होंने टैंक, तोप, फाइटर विमान क्यों खरीद रहे हैं? अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए, या बलूच लिबरेशन आर्मी पर खर्चा करने के लिए, या गिलगित बाल्टिस्तान, हुंजा, मुजफ्फरबाग में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके ऊपर हवाई जहाज से बम गिराने के लिए? नहीं, ये खरीद रहे हैं हवाई जहाज, सबमरीन, फ्रिगेट्स खरीद रहे हैं भारत को ठेंगा दिखाने के लिए। इनको भारत से प्रॉब्लम क्या है? एक F-16 स्क्वाड्रन जो है उसमें इतना खर्चा हो जाता है कि ये लोग पाकिस्तान में एक स्टील प्लांट खोल सकते हैं, एक फ्रिगेट बनाते हैं पाकिस्तान में, या अभी चीन की मदद से सबमरीन बना रहे हैं, उसके खर्चे से 10 थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन बना सकते हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान की आर्मी जी जो है उन्होंने सरकार की नकेल अपने हाथ में रखी हुई है और बोलते नहीं हमें टैंक चाहिए, हमें तोप चाहिए, हमें फाइटर विमान चाहिए, हमें सबमरीन चाहिए। देश की जो आर्थिक व्यवस्था है जो कि पहले डूब रही है, डूब चुकी है, अब उसको समुद्र के तल की तरफ लेके जा रहे हैं। अब जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात हैं, बजट बढ़ा दिया गया। अनुज माथुर सर, क्या ये परसेप्शन, जो फेक परसेप्शन है, वो बनाने की भी कोशिश पाकिस्तान की हो सकती है? कि आपने इससे पहले आईएमएफ का जिक्र किया, जाहिर सी बात है आईएमएफ ने वो कर्ज इसलिए दिया है कि पाकिस्तान खुद उन चैलेंजेस से उभरे और खुद ऐसे सेक्टर में पैसा लगाए जहां से निवेश को बढ़ावा मिले, जहां से वो पैसा रिटर्न हो सके, मुनाफा हो सके। लेकिन अगर पाकिस्तान उस पैसे को ऐसे बेजा इस्तेमाल करेगा तो फिर आईएमएफ को भी एक्शन लेना ज़रूरी है। बिल्कुल रचना, मैंने यही कहा और कुछ दिन पहले भी मैं आपके चैनल पर यह बात कह चुका हूं कि पाकिस्तान को अपनी आर्थिक प्राथमिकताएं सुधारने की आवश्यकता है। अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं में से आर्मी का दखल निकालने की आवश्यकता है और उनको ग्रास रूट लेवल पे वो चीजें करने की आवश्यकता है जो उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भागीदार हो सकती हैं। और ये भी मैं बता दूं रचना कि ये एक साथ एक झटके में नहीं हो पाएगा। आज वो अगर इस प्रकार ये प्रायोरिटीज बदलेंगे, आज इस पे काम करना शुरू करेंगे तो आने वाले कई सालों के बाद इनको इसके वास्तविक असर देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन 90s में किया था उसके फल हम आप भोग रहे हैं। तो ये चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, ये ओवरनाइट नहीं होता है, इसको होने में टाइम लगता है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, उनकी अपनी नाक, और उनको ये करना कि हम सबसे दुनिया की चौथे नंबर की आर्मी है, 5वें नंबर की। देखिए रचना, पाकिस्तान का रियल एजेंडा कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान का रियल एजेंडा खालिस्तान पंजाब भी नहीं है। पाकिस्तान का रियल एजेंडा और पाकिस्तान आर्मी द्वारा समर्थित एजेंडा भारत को किसी भी तरीके से कमजोर करना और किसी भी तरीके से नीचा दिखाना, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। और इसका खामियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। आज पाकिस्तान की आवाम भूखों मरने की नौबत है। पाकिस्तान भीख मांग रहा है, 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स उसके ऊपर उधार हैं, वो डिफॉल्ट वाली परिस्थिति में आ गया है। ये जो आईएमएफ से पैसा वो मांग रहा है, वो पैसा बेल आउट के लिए उसको चाहिए। तो आप इससे इसी बात से समझ सकते हैं कि किस चीज के लिए वो पैसा मांग रहा है। और फिर उस पैसे का अगर वो दुरुपयोग करेगा तो ये निश्चित रूप से वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को इसका संज्ञान लेना चाहिए और कोई एक्शन लेना चाहिए। उनको ये कंडीशन लगानी चाहिए कि आप एक्टिविटी करके दिखाएं, आप हमें अपना रोड मैप बताएं जिससे कि आपकी इकोनॉमिक जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बढ़ेगा और वो उससे आप लोन को वापस कर सकते हैं, चाहे वो हमारा हो, चाहे वो इंटरनल डेट हो या चाइना का हो या किसी का भी लोन। आज की तारीख में पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है, इतना कि आप समझ नहीं सकते और पता नहीं क्यों उससे वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनको किसी से खतरा नहीं है, कोई बाहर वाला आके उनको मारने वाला नहीं है, सिर्फ अपने क्योंकि दिखावे में लगा हुआ है पाकिस्तान। और इसी दिखावे में दुनिया भर के सामने परसेप्शन बनाने की कोशिश कि हमने अपना बजट भी ओवरऑल 30% बढ़ा दिया है, डिफेंस बजट में हमने 15% की बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन साथ ही साथ यूके देवना सर जो सरकारी उद्यम है उन्हें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देना, टैक्स बढ़ाने का एक और बोझ आम जनता पर डाल देना और फिर वहां से रेवेन्यू जनरेट करना, क्या जो पाकिस्तान के हालात हैं वो और ज्यादा एक्स्ट्रा बोझ अब आने वाले दिन में आम लोगों पर नहीं पड़ने वाला है क्या? जी हाँ, पाकिस्तान में दुख की बात यह है कि सिर्फ आम लोग टैक्स देते हैं, वहां पर जो भी लोग सरकार के पास हैं, जो भी लोग जिनके पास बहुत बड़ी जमीनें हैं, जो जमींदार हैं, लैंड ओनर्स हैं और जो बड़े बड़े फार्म हाउस के मालिक हैं वो टैक्स नहीं देते हैं। अगर पाकिस्तान हर जगह से टैक्स कलेक्ट करके अपना रेवेन्यू बेस नहीं बढ़ाएगा तो वहां कंगाली छाई रहेगी। जो थोड़ा बहुत टैक्स रेवेन्यू उनका कलेक्शन होता है उसमें से आधा पैसा करप्शन में चला जाता है, आधा पैसा फौज खा जाती है और जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उसको पाकिस्तान इधर उधर सब्सिडीज में खर्च कर देता है, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि आज अपना टैक्स कलेक्शन बेस बढ़ाए, जितना पैसा आए उसका इस्तेमाल वो करे जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे एसेट बेस बढ़ता है, कारखाने बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है और उससे भविष्य में और ज्यादा कारोबार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, इंडस्ट्री बढ़ता है। अगर पाकिस्तान इस पथ पे नहीं चला तो पाकिस्तान अगले 5 से 10 साल में दिवालिया हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। पिछले साल भी 3.5% जो आर्थिक ग्रोथ है वो रेट रखा गया था, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाया पाकिस्तान, 2.38% तक ही ये सिमट गया था। अब बातें बहुत बड़ी बड़ी इस बजट में की गई हैं, लेकिन उन्हें धरातल पर लाने में क्या पसीने नहीं छूटने वाले हैं? अनुज माथुर सर, पाकिस्तान के छोटा सा रिएक्शन आपका। बिल्कुल 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 रचना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो आपने बताया कि 3.5 उनका टारगेट था और वो 2.3 पे रुके, आप इसको भी परसेंटेज में देखिए, 3.5 का 1.2 क्या परसेंटेज है, तो लॉस जो उनका जो डाउनफॉल हुआ है वो 40% के आसपास उनका डाउनफॉल हुआ है जीडीपी में। और अब आप देखें कि किस प्रकार के टारगेट्स वो रखने पर मजबूर हैं। अगर कोई देश मुद्रास्फीति का टारगेट 26% पे रखने के लिए मजबूर है तो आप उसकी आर्थिक व्यवस्था का और उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा सकती हैं। अच्छा, बिल्कुल आसानी से जो 26% आप फिस्कल डेफिसिट उसकी बात कर रहे हैं मुद्रास्फीति की, ये मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा गलत प्रायोरिटीज उनकी हैं और उनको प्रायोरिटीज को बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। एक दो चीज़ें बिल्कुल आवश्यक हैं कि उनको गवर्नेंस में से और उनको इकोनॉमिक प्लानिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में से आर्मी को बेदखल करना पड़ेगा, अनलेस ये दे डू इट, इसका कोई चारा नहीं है। आपको मैं एक बात और बता दूं जो शायद रिपीट होगा कुछ लोगों के लिए कि पाकिस्तान की आर्मी को जो बजट मिल रहा है वो एक बात है, उसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी हर किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी में संलिप्त है। वो सीमेंट बनाते हैं, मिट्टी पिट्टी हर चीज वो कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे कि पूरा कब्जा पाकिस्तान की आर्मी का उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे और अपने अर्थव्यवस्था पे और बिल्कुल ठीक बात है। और ये दुनिया जानती भी है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की हुकूमत चलती है, सरकार तो महज दिखाने के लिए होती है, एक मुखौटा होती है।